इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो देश की राजधानी दिल्ली से है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीती रात उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। दरअसल कोरोना के लक्षण उभरे उसके बाद सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कल रात भर्ती कराया गया। जैन को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। हालांकि उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी टेस्ट का नतीजा नहीं आया है, रिपोर्ट का इंतजार। इस बीच सत्येंद्र जैन ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने जो तकलीफ उन्हें हुई उसका जिक्र उस ट्वीट में उन्होंने किया था। अनिशा माथुर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अनिशा, कैसी तबीयत अभी सत्येंद्र जैन की है, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक जो है उनका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ सकता है? देखिए, कोरोना टेस्ट सत्येंद्र जैन का हो चुका है आज ही सुबह, लेकिन अभी टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम या तो आज शाम या कल सुबह तक ही रिपोर्ट आ पाएगी। लेकिन इस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो प्रॉब्लम आगे की देखी जा रही है, वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ। इनफैक्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सैटरडे को मीटिंग बुलाई थी, और एलजी साहब, दिल्ली के एलजी साहब ने जो कल मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रेजेंट थे। इसलिए सवाल इस वक्त ये उठ रहे हैं कि अगर सत्येंद्र जैन का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो ये इन मीटिंग्स में आए सभी लोगों को, दिल्ली के एलजी, स्वास्थ्य सचिव, चीफ मिनिस्टर वगैरह सभी को ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है। तो इस वक्त टेस्ट की रिपोर्ट का ही सबसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने खुद भी ट्वीट करके ये बताया है कि कल रात को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और काफी तेज बुखार चढ़ गया था, इसलिए कल रात को उनको लेके जाया गया। अब इस वक्त ऑक्सीजन से उनको हटा दिया गया, उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल रात को उनको ऑक्सीजन भी दी गई है। तो काफी हद तक सत्येंद्र जैन की उम्र भी काफी है, इसलिए उनको उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। लेकिन सबकी नजरें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग और खासतौर से दिल्ली की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हॉस्पिटल विजिट्स पे भी गए हैं पिछले कुछ दिनों में, अस्पतालों में होकर आए हैं, कोरोना केयर सेंटर्स में होकर आए हैं, टेस्टिंग सेंटर्स में होकर आए हैं मुआयना करने के लिए। इसलिए जो रिस्क है वो काफी वो है, लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल अनिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी कि एक तरफ तो अस्पताल में खुद सत्येंद्र जैन है, लेकिन जिन जिन से उनकी मुलाकातें हुई हैं वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति इस वक्त है, क्योंकि अगर इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बाकी लोग, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एलजी साहब, इन सभी का भी फिर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये भी संक्रमण के दायरे में हो सकते हैं। हालांकि देखिए अनिशा, अब ये कहना तो काफी देर हो चुकी है इस बात, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हालात बढ़ चुके हैं, जिसका जिक्र खुद सत्येंद्र जैन ने भी किया था, लेकिन क्या ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन एस्टैब्लिश किया जा सका है कि सत्येंद्र जैन को कहां से ये संक्रमण हुआ होगा? देखिए, अभी फिलहाल यही नहीं एस्टैब्लिश किया गया है कि सत्येंद्र जैन को कोरोना है भी या नहीं। जैसा कि मैं यही कह रही हूं, इस वक्त उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनको तेज बुखार है, लेकिन क्या ये कोरोना के लक्षण है या फिर सीजनल बुखार की वजह से, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से लक्षण है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी हमें टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना होगा और उसके बाद फिर तभी सरकार ये भी देखेगी कि इनका ट्रांसमिशन कहाँ से आया जा सकता है। बट ये ध्यान रखना, हमें ये जरूर देखना होगा कि सत्येंद्र जैन ने पिछले 4-5 दिन में कई मीटिंग्स करी हैं, कई लोगों से वो मिले हैं, पिछले 15 दिन में वो हॉस्पिटल विजिट्स वगैरह पर भी गए हैं, इसलिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन इस वक्त एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि उनको उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। बिल्कुल, और ऐसे में शुक्रिया अनिशा फिलहाल तो इस जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि कोरोना के लक्षण उनमें उभरे थे। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सैंपल आज सुबह ही लिए गए हैं और 24 घंटे का यह समय लगता है रिजल्ट आने में। ये हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात की, लेकिन देश भर में भी कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, ये आंकड़ा 3,43,000 को पार कर चुका है, जो आपको हम भारत के नक्शे पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। अब 3,43,091 केसेस, हालांकि 1,80,000 लोग ठीक भी हुए हैं,
9,900 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों में अगर आप महाराष्ट्र का और दिल्ली का आंकड़ा जोड़ेंगे तो लगभग 50% केसेस अकेले दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्से हैं अभी पूरे देश में। और देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने आ भी गई है, तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, 46,504 कुल केसेस हैं, जिनमें 25,344 लोग ठीक भी हुए हैं, 479 लोगों की मौत हुई है। यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त हैं। दिल्ली में कुल मामले 42,829 हैं, जिनमें से 16,427 लोग ठीक भी हुए हैं, 1,400 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात की भी परिस्थिति देखिए, 24,000 प्लस केसेस हैं, 1,505 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है, राज्यवार स्थिति देखिए, राजस्थान की भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये कि अब धीरे धीरे ठीक होने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा है। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 80%, बल्कि कई ऐसी रिसर्च हैं जो ये कह रही हैं कि ज्यादातर लोग माइल्ड सिम्टम्स के हैं, माइल्ड लक्षणों के साथ में, और वो बिना अस्पताल में भर्ती हुए भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, बस जागरूक रहें। कोरोना के कदमों को रोकने के लिए आज और कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों से बात करेंगे। पीएम मोदी के साथ आज दोपहर 3 बजे पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जबकि कल उन राज्यों के साथ बैठक होगी जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। बैठक में राज्यों के हालात, पाबंदी और छूट पर बात होगी। तो ये 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके साथ प्रधानमंत्री का आज मंथन होने वाला है, इसमें पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। राज्यों के भीतर कैसे बेहतर तालमेल केंद्र के साथ हो, इस बात पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर राज्यों के साथ ये मंथन करने वाले हैं, और जिलेवार तैयारियों पर भी बात होगी। ज्यादा टेस्टिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, ये बैठक का मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा कोरोना के बीच मॉनसून की तैयारियों पर भी बात होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो सही है कि अगले 6 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। और क्योंकि अभी जो बेरोजगार लोग हुए हैं, रोजगार शुरू नहीं हुआ, रोजगार उनको मिला नहीं है, और आगे आने वाले समय में 5-6 महीने तक मैं समझता हूं कि और समय लगेगा इस कठिनाई से गुजरने के लिए। चलिए, उनका सुझाव है, क्योंकि अभी तो ये 3 महीने के लिए की गई थी कि हर गरीब आदमी को राशन मिल सके, हर गरीब आदमी को भोजन मिल सके उसकी चिंता थी, और हर गृहिणी के अकाउंट में पैसे जा सके उसकी चिंता थी। उन्होंने सुझाव दिया, केंद्र सरकार इस पे फैसला कर सकती है। भले ही महाराष्ट्र कोरोना पर करा रहा है, लेकिन वहां भी सियासत जोर पकड़ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव सरकार में सब कुछ ठीक है। सामना ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा और सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट पर हमला बोल दिया। सामना में लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खाट रह रहकर आवाज करती है। खाट पुरानी है, लेकिन एक ऐतिहासिक विरासत है। इस पुरानी खाट पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं। मुख्यमंत्री ठाकरे को आघाड़ी सरकार में ऐसी कुरकुराहट सहने की तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट का कुरकुराना संयमित होता है, लेकिन राज्य के मामले में सीएम का निर्णय अंतिम है। शरद पवार ने खुद इसका पालन किया है और समय समय पर मुख्यमंत्री से वो मिलते रहते हैं। और जिस प्रकार से सामना में लिख करके आया है, कांग्रेस को जिस प्रकार से अपमानित किया है, राष्ट्रवादी को जिस प्रकार से अपमानित किया है, इन दोनों दलों के पास अभी अपना खुद का स्वाभिमान शेष है या नहीं है, यह भी एक आत्मचिंतन का विषय है। हम महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके आपसी झगड़े के कारण मुंबई और महाराष्ट्र का, उनकी कोताही के कारण चाइना बन चुका है, वे अभी भी गंभीर हो और कोरोना से ठीक से निपटे। गुजरात में 24 घंटे के अंदर बार बार आए भूकंप ने वहां लोगों को डरा दिया है। कच्छ के जिस इलाके में सोमवार को भूकंप आया, वो भूकंप की तीव्रता के हिसाब से जोन 5 में आता है, यानी सबसे खतरनाक। ये उसी कच्छ का इलाका है जहां 19 साल पहले आए भीषण भूकंप ने लोगों को हिला दिया था, और इसीलिए बार बार भूकंप के झटकों की वजह से लोगों को रह रहकर पुराने दर्द याद आ रहे हैं।
मई जून में कई बार दिल्ली कांपी, फिर गुजरात में ताबड़तोड़ भूकंप, अब जम्मू कश्मीर में हिली धरती। पिछले दो महीनों में दिल्ली में कई बार जलजला आने के बाद अब गुजरात में ताबड़तोड़ भूकंप के झटके ने दहशत फैला दी है। 36 घंटे के भीतर छोटे बड़े 18 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें 3 झटके कुछ ज्यादा तेज थे। सोमवार की दोपहर कच्छ में 12:57 पर धरती कांप गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई। भूकंप का एपिसेंटर कच्छ से 15 किलोमीटर दूर था। इससे पहले रविवार को भी गुजरात में भूकंप का झटका रात करीब 8 आया था। इसका केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के पास था। भूकंप का झटका कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद और पाटन जैसे शहरों में महसूस किया गया, जहां ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जी हाँ, मैंने महसूस किया। मैं टीवी देख रही थी, वो भी नीचे बैठे हुए, तो 2-3 सेकंड से ऐसे ध्रुजारी महसूस हुआ, अर्थक्वेक जैसा लगा। ध्यान में बैठी थी और 4-5 सेकंड तक ऐसी जमीन हिली ना के मैं घबरा के सीधी बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, फिर सबने बताया कि भाई भूकंप ही है। भूकंप की त्रासदी झेल चुके भुज में इस वक्त दहशत का माहौल है। यहाँ 11 झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खतरा बना रहेगा, क्योंकि कच्छ का पूरा इलाका भूकंप के जोन 5 में आता है, यानी जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जो कच्छ में जो भूकंप आते हैं, वो हम लोग उसको कहते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। वहां पर भुज में कच्छ विस्तार में बहुत बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं, जिनकी लेंथ, कुछ फॉल्ट्स की लेंथ 50 किलोमीटर है, कुछ की 100 किलोमीटर है। जो मैक्सिमम फॉल्ट लेंथ है, जिसे हम कच्छ मेनलैंड फॉल्ट कहते हैं, उसकी 140 किलोमीटर है लगभग। तो बड़ा अर्थक्वेक आने के लिए बड़े फॉल्ट्स हों, तभी बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। उधर सोमवार को जम्मू कश्मीर की धरती भी हिल उठी। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। इसका केंद्र धरती के 20 किलोमीटर नीचे था, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नहीं जानता कि धरती के अंदर क्या चल रहा है, क्यों एक दिन के अंदर 18 बार धरती कांप रही है, लेकिन हर कोई 19 साल पहले का डरावना दृश्य याद करके सिहर उठता है। 2001 में गुजरात में इसी कच्छ में भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। तब उस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता 7.8 आंकी गई थी। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। उसमें कच्छ और भुज में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और 4 लाख मकान जमींदोज हो गए थे। यही वजह है कि गुजरात में जब जब धरती कांपती है, वो खौफनाक यादें ताजा हो उठती हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और बात अब पाकिस्तान की, जिसके निशाने पर भारतीय उच्चायोग है। पाकिस्तान ने उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के तेवर देखने के बाद उसे बैकफुट पर आना पड़ा। पाकिस्तान की नापाक साजिशें अब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान ने उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को हिट एंड रन के केस में पकड़ा है। वहीं एक कर्मचारी पर पाकिस्तान की फेक करेंसी रखने का आरोप लगाया। फिर क्या था, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस करतूत पर सख्त रवैया इख्तियार किया। पाकिस्तान को समन भेजा। आपत्ति पत्र में पाकिस्तान मिशन के प्रभारी को यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय कर्मचारियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए या उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह पाकिस्तानी अधिकारियों की है। हिंदुस्तान के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और दोनों अधिकारियों को उनकी सरकारी कार के साथ अविलंब उच्चायोग में वापस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल सुबह से 2 भारतीय कर्मचारियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। दोनों कर्मचारी सुबह एक गाड़ी से आधिकारिक ड्यूटी के लिए उच्चायोग जाने के लिए निकले, लेकिन वहां पहुंचे नहीं। इसमें एक ड्राइवर था, जिसके बाद दोनों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जब भारत की ओर से दबाव डाला गया, तो शाम तक खबर आई कि दोनों को पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लिया है। सबसे बड़ी बात, ये मामला उस वक्त आया है जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के एक राजनयिक को परेशान करने और डराने की कोशिश कर रही थी।
कुछ दिन पहले बाइक से इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया का पीछा भी किया गया था। वहीं पाकिस्तान गौरव की जासूसी करने की भी कोशिश कर रहा था, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। दिस केस वेयर टू ऑफ द ऑफिशियल्स आर मिसिंग, नो दिस इज एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड पाकिस्तान शुड बी टोल्ड टू व्हाट शल आई से टू कंप्लाई विद द वियना कन्वेंशन एंड शुड बी टोल्ड एज स्ट्रांगली एज नेसेसरी। ये जो इंसिडेंट है इसको अगर आप देखें तो दो चार दिन पहले ही हमारे चार्ज डे अफेयर्स जो वहाँ पे थे उनका गाड़ी टेल हुआ था, उनकी गाड़ी के पीछे कोई मोटरसाइकिल लेके चलाता रहा, पॉसिबली ISI का आदमी था, और ऐसी एक्सपीरियंस जो है हमारे डिप्लोमेट्स के वहाँ पे बहुत होता है। शायद हमने अभी जो इंडिया में किया है उनके दो डिप्लोमेट्स को वापस किया है, ये उसी के जो है रिस्पॉन्स में है कि वो हमारे को वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को उधर हैरेस कर। और अब बात चीन की, जिसके साथ सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का काम जारी है। कल भी भारत और चीन की सीमा के तनाव को लेकर बातचीत हुई, जहां भारत की कूटनीति का असर देखने को मिल रहा है। सीमा पर चीन की नापाक चालों को भारत ने कूटनीतिक तरीके से फेल करने के लिए कमर कस ली है। भारतीय सीमा पर बुरी नजर रखने वाले चीन को बातों से समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम हो रहा है, वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी तकरार है, जिसे लेकर एक बार फिर दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। इसमें गलवान नदी और हॉट स्प्रिंग वाले इलाके शामिल हैं। इन दोनों जगहों पर भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सवाल खड़े करने वाला विपक्ष भी मामले को बातचीत से सुलझाने की अब वकालत कर रहा है। गहन सोच समझ के कार्रवाई करने की समय है। हिंदुस्तान की इज्जत मर्यादा को रक्षा करना चाहिए और साथ साथ हमारे देश की अंदर अमन चैन बरकरार रहे, इस पे ध्यान देना चाहिए। कई दौर की बातचीत का असर भी देखने को मिला है। LSC की कई जगहों से दोनों देशों की सेनाएं सीमित रूप से पीछे हटी हैं। मई से जारी इस विवाद को सुलझाने के लिए अब लगभग हर रोज ही दोनों देशों के अफसर बात कर रहे हैं कि हम अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करें और हमारा जमीन कोई न ले, छीन न ले। डोकलाम में हमने ये साबित कर दिया, ईस्टर्न लद्दाख में भी हम ये साबित कर रहे हैं। वो जमाने गए 62 के, वो जमाने गए जब हिंदुस्तान प्लेट पे परोस के चीन को थाना देता था, टिबेट देता था। बहरहाल अब गलवान घाटी और पेंगोंग झील में ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, और जिस तरह से भारतीय अधिकारी मामले को सुलझा रहे हैं उसे देखते हुए जल्द ही चीन की सेना को इन इलाकों से भी पीछे हटना होगा। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने कोरोना के मुश्किल वक्त में दाम बढ़ाने का विरोध किया। सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा कि उन्हें इस फैसले में कोई तर्क नजर नहीं आता, इससे जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। पहले ही मुश्किल समय चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, इसके दाम को बढ़ाने के फैसले के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता और ये सरकार का फैसला सही नहीं है। दरअसल बीते 9 से 10 दिन में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जिस तेजी से ये दाम बढ़े, आप देखिए 8 दिन में करीब 5 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, पटना की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देश की राजधानी में देखिए पहले जो आज के दाम है वो देखिए 76 रुपए 73 पैसे, डीजल 75 रुपए 19 पैसे, और 8 दिन की अगर बात करें तो 8 दिनों में 5 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई तर्क दिखाई नहीं देता। लेकिन आज का दिन और अहम रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं।
देश में कोरोना के मामले 3.5 लाख के पास मंडराने लगे हैं और इस खतरे के बीच आज से 2 दिन की केंद्र और राज्यों की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे हैं। देश अनलॉक होते ही कोरोना भी अनलॉक हो गया, उसकी बंदिशें खत्म हो गईं, उसके अड्डों की संख्या बढ़ने लगी, महामारी की चपेट में लोग तेजी से आने लगे। खतरा इस कदर बढ़ गया कि संक्रमण के मामले में दुनिया के नक्शे पर भारत देखते देखते नंबर 5 के अंदर आ गया। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU के मुताबिक भारत में कोरोना से जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रोजाना बीमार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के ऐसे ही खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है, मुख्यमंत्रियों के साथ फिर आज बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के साथ आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक का मकसद साफ है, कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करना, उसके अड्डों को खत्म करना, भारत से दुनिया की महामारी को भगाना। मुख्यमंत्रियों के साथ 6ठी बैठक में कई बातों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से सबसे संक्रमित 20 जिलों पर जोर होगा। जिले के हिसाब से बेड टेस्टिंग किट और दूसरी मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा होगी। कोरोना से प्रभावित 6 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर बातचीत होगी। साथ ही मानसून को देखते हुए तैयारियों की प्लानिंग की जाएगी। 2 दिनों की बैठक की शुरुआत में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM और उपराज्यपाल शामिल होंगे। जहां 20,000 से कम कोरोना के मामले हैं और 150 से कम लोगों की मौत हुई है, इन राज्यों में पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। वहीं 17 जून यानी कल 15 राज्यों के CM और उपराज्यपाल से चर्चा करेंगे। कल होने वाली बैठक में ज्यादातर वो राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। इनमें से 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां देश के 65% से ज्यादा मरीज आते हैं, यानी ऐसे राज्यों में कोरोना को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कल की बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल हैं। संक्रमण की चुनौतियों की पूरी रूपरेखा अपने कार्य की पूरी रूपरेखा के साथ संवाद करेंगे और इस संबंध में जो नीतिगत फैसला होगा वो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी COVID-19 के दौर में संवेदनशील, सचेत और सतर्क। कोरोना को लेकर पहली बार 20 मार्च को सभी राज्यों से पीएम मोदी ने बात की थी, इससे निपटने पर चर्चा की थी। इसके बाद 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बातचीत का सिलसिला जारी है, उम्मीद है पीएम मोदी की ये मेहनत रंग लाएगी और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कोरोना के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान करने में कामयाब हो सकेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में कोरोना के आंकड़े एक तरफ थम नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हीं शहरों ने देश की चिंता भी लगातार बढ़ाई हुई है। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्हीं पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तय होगी, क्या करना है, एक्शन प्लान क्या होगा सरकार का, इस पर बात होगी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली को दहला रहा है कोरोना, जब मुंबई में वायरस का हो गया है विस्फोट, जब चेन्नई दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में हो गया है शामिल। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके 3 शहर कुछ हॉटस्पॉट में शामिल हैं और यही शहर सिर दर्द बने हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकारों के साथ
तालमेल के जरिए ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सरकार अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कोरोना की टेढ़ी चाल ने जीना दुश्वार कर दिया है। उसके वक्र समतल नहीं हो रहे हैं। जब देश अनलॉक हुआ, यानी 1 जून को कोरोना के मामले 1,90,000 के पार थे, वहीं 15 दिनों में 3,40,000 के पार पहुंच गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की तूफान वाली गति, तो दूसरी तरफ जिंदगी की गाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाने की चिंता। राज्य सरकारों के सामने विकल्प सीमित हैं, लिहाजा कई राज्य सरकारें नहीं चाहती कि फिर से संपूर्ण लॉकडाउन हो। हालांकि रणनीति में बदलाव के लिए सरकारें तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि यहां लॉकडाउन नहीं होगा। गुजरात की रूपाड़ी सरकार भी तालाबंदी के पक्ष में नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के चेन्नई समेत 4 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। पंजाब में वीकेंड और छुट्टियों पर संपूर्ण लॉकडाउन है। उत्तराखंड के देहरादून, एमपी के भोपाल, उड़ीसा के 11 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार को लॉकडाउन का लोगों को पालन करना होगा। मिजोरम में 23 जून तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ा क्या सर, कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के बीच जब लोगों की लापरवाही सामने आई, तो सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की तरफ इशारा जरूर किया। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे, जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावा लागेल। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों की भले ही अपनी दलील हो, लेकिन मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। इस बार उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन के जरिए केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, ये लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि गलत वक्र को समतल कर दिया गया, यानी कोरोना के मामले बढ़ते चले गए, लेकिन अर्थव्यवस्था चौपट होती चली गई। ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल हमलावर हुए हों। पिछले दिनों राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा था कि वो बताएं कि कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों की मदद के लिए उनकी क्या रणनीति है। कांग्रेस के इन्हीं सवालों के बीच पीएम मोदी की राज्यों के साथ बैठक में अगली रणनीति का खुलासा होगा। देश को पता चलेगा कि कोरोना के खात्मे का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया गया है। हालांकि ऐसे हालात में कोरोना की तरह सियासत का समतल होना भी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण के इस काल में मिलकर ही भारत कोरोना मुक्त हो सकता है। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। सोमवार को भी अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया था और अब प्रयास यही कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। दिल्ली में कोरोना हो गया है बेकाबू, उसकी रफ्तार हो गई है तेज। इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अब अमित शाह ने बनाया है चक्रव्यूह। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान न केजरीवाल दिखे और न ही उपराज्यपाल अनिल बैजल। अस्पतालों की स्थिति को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया था कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। उस कमेटी को बना दिया गया है और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद अब ये फैसला लिया जाएगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति खराब है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। गृह मंत्री ने डॉक्टरों से समीक्षा की। अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल के हालात का जायजा लिया, मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा की।
दौरे के बाद अमित शाह के साथ गृह सचिव और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक शाह ने डॉक्टरों को टेस्टिंग पर जोर देने का निर्देश दिया।